तो बच्चों आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 9th, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आप देखो न्यूटन अंकल बैठे हुए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर एप्पल गिरा था, तब इनको ख्याल आया कि नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। इस तरीके से इन्होंने जो ग्रेविटी के बारे में इनको समझ आया कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है। तो ये मैं हूँ अर्पित गुप्ता। तो आज हम देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, ये पूरा एनसीईआरटी के तो कवर करेगा ही, साथ में आपको कॉन्सेप्ट के लिए कहीं और नहीं जाना है। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, वेलोसिटी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तब आप ठीक तरीके से समझ पाओगे इस चैप्टर को। चलो शुरू करें। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप पहले ए पोजीशन पर थे, अब आप बी पोजीशन पर आ गए हो, आपने अपनी जगह चेंज कर ली, इसका मतलब आपने मोशन कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास दो लड़के हैं, मान लेते हैं, एक का नाम है निखिल, NKHIL निखिल, और दूसरे का नाम क्या रख दें, दूसरे का नाम रख देते हैं अमन, ठीक है। अब निखिल और अमन हमारे पास दो बच्चे हैं प्यारे प्यारे। तो निखिल क्या करता है, दोनों मोशन कर रहे हैं, दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो निखिल क्या करता है, पहला 1 मीटर चलता है, फिर दूसरा 1 मीटर चलता है, फिर तीसरा 1 मीटर चलता है, लेकिन ये हर 1 मीटर जो चल रहा है दो दो सेकंड में चल रहा है, या मान लो दो दो की जगह मान लो इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 5-5 मीटर चल रहा है, ये 5 मीटर चलेगा, फिर निखिल 5 मीटर चलेगा, ठीक है। तो 5-5 मीटर का मतलब समझ में आया, निखिल पहले 5 मीटर चलेगा, फिर 5 मीटर चलेगा, फिर 5 मीटर चलेगा, और हर एक 5 मीटर को चलने के लिए ये 1 सेकेंड ही ले रहा है। 1 सेकेंड इसने यहाँ ले लिया, 1 सेकेंड इसने यहाँ पर ले लिया। लेकिन जो अमन है ये क्या करता है, पहले 5 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, ठीक है, और फिर दूसरे वाला 5 मीटर जो चलता है वो चलता है मान लो 2 सेकेंड में, फिर तीसरा वाला जो 5 मीटर है ये वो चलता है मान लो 10 सेकेंड में। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वाले केस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, यानी कि पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस टू इक्वल है, अनइक्वल टाइम में डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एकदम स्पीड अगर निकालोगे ना तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 0। यहाँ पर आप देखोगे, तो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में क्या होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप देखोगे एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, एंड एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन सेकेंड केस। इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल है, कि जब हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और जब हम इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब बेसिकली मोशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। पर सेकंड आप अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, या तो टाइम अनइक्वल हो सकता है, डिस्टेंस अनइक्वल हो सकता है, कुछ भी ले लो, तो वो कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कुछ नहीं होती, सिर्फ स्पीड ही होती है। स्पीड में आप डायरेक्शन और जोड़ दो, क्या करना है, स्पीड में डायरेक्शन और जोड़ दो, स्पीड प्लस डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन, अब मैं इसको थोड़ा सा वाइड व्यू कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ACCELERATION। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो निखिल जो है, वेलोसिटी तो समझ में आ गई, स्पीड ही मान लो, जस्ट स्पीड में एक डायरेक्शन दे दो, और जब हम वाला चैप्टर पढ़ेंगे स्पीड और एक्सेलरेशन में तब मैं आपको ठीक से समझा दूंगा, अभी जस्ट हमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर का समझना है, ठीक है। तो निखिल की बात करता हूँ मैं, तो ये क्या करता है, इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में ये 5 मीटर चलता है, पहला सेकंड गुजर गया 5 मीटर चल रहा है, दूसरा सेकंड गुजर गया 5 मीटर चल रहा है, लेकिन ये जो अमन है, मान लेते हैं इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी,
यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अमन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले सेकंड अमन की वेलोसिटी थी 5, दूसरे सेकंड अमन की वेलोसिटी थी 2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अमन का जो एक ए है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि अमन की वेलोसिटी हर एक सेकंड बाद बढ़ेगी। पहले सेकंड अमन की वेलोसिटी अगर 1 थी तो अगले सेकंड 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि दूसरे वाले सेकंड में जब दूसरे सेकंड की बारी आएगी, ठीक है, 1 सेकंड बाद, फिर ये वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कर लूँगा बाद वाले चैप्टर में, अभी बस इतना समझ में रखो कि एक्सेलरेशन जो है 0 होता है किसके केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में, और नॉन ज़ीरो होता है नॉन यूनिफॉर्म के केस में, ठीक है। और स्पीड और डायरेक्शन को मिलके क्या बनती है, अपनी वेलोसिटी। इतनी चीज़ समझ में आई। और ये जो है हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस वेलोसिटी की स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है, सॉरी वेलोसिटी जो है हर सेकंड 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि अभी 1 है तो अगले सेकंड 2 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड 3 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड 4 हो जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे कि स्पीड वेलोसिटी ही बढ़ रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है, इसका मतलब मोशन तो यूनिफॉर्म रहेगा नहीं फिर, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा, नहीं भी आया तो ये चीज़ें याद रखो, जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मोशन होता क्यों है। इन भाई साहब को देखो, ये क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है। तो मोशन क्यों हो रहा है, जब हम किसी को हिट करते हैं, जैसे कि मान लो ये है, मैंने इसको ऐसे हिट किया, जैसे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, 2 सेकंड में दिखाता हूँ। हाँ, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन सीधा है, अभी मैं इसको ऐसे करके मारूंगा तो टेढ़ा हो गया, इसका मतलब मूव हुआ थोड़ा सा, यानी कि इसने मोशन किया। तो कब किया मोशन, जब मैंने इसको हिट किया, किसी को पुश पुल करते हैं, हिट करते हैं, तो जाके मोशन होता है। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, मोशन होता क्यों है। तो भाई साहब मोशन क्यों होता है, यहाँ पर आप बॉल को देखो, जब हम मारते हैं तो बॉल दूर चली जाती है। ये हॉकी वाला एग्जांपल देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, हॉकी से बॉल को मार रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। या रेस्ट में ले आते हैं हॉकी, वो बॉल को, अगर बॉल मूव कर रही है तो, या फिर अगर रेस्ट में है तो मोशन में मार देते हैं, यानी कि मोशन में ले आते हैं सडनली। तो मोशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि चीज़ों की पोजीशन चेंज होना, ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकती है वैसे, तो पोजीशन हो या ओरिएंटेशन चेंज हो तो हम बोल देते हैं कि मोशन कर रहा है ना। जैसे सर्कुलर मोशन भी एक क्या होता है, अपनी एक्सिस पर जब घूमते हैं तो उसको भी सर्कुलर मोशन बोलते हैं, रोटेशन। चलो अब यहाँ पर देखो आप, जैसे मैंने क्या किया है, ड्रॉअर को पीछे की तरफ खींचा, तो ये भी मोशन में आया। तो हमको ये समझना है मोशन होता क्यों है। मोशन क्यों हो रहा है बच्चे, मोशन हो रहा है जब हम किसी में फोर्स लगाते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं फोर्स, यानी कि पुल या पुश, ठीक है। तो हालांकि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट अलग तरीके के फोर्स होते हैं, वो आप आगे की क्लास में समझोगे, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में फ़िलहाल कांटेक्ट फोर्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, ड्रॉअर को मैंने पकड़ा और पीछे खींच लिया, ठीक है। अब अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर सच। अब देखो, पहले क्या थे ना, पुराने ज़माने में जब ये गैलीलियाई और आइजैक न्यूटन साहब नहीं आए थे, तो लोग क्या समझते थे, तब फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं था। फ्रिक्शन जो था, लोगों को फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, तो लोग क्या सोचते थे कि जो रेस्ट है वो आइडियल स्टेट है, वो नेचुरल स्टेट है। रेस्ट जो है नेचुरल स्टेट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वो लोग समझते थे कि जो रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट है। उन लोगों को नहीं पता था कि फ्रिक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, नेचुरल स्टेट आएगा ना यहाँ पर, नेचुरल स्टेट है। तो उनको ये लगता था कि कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो फाइनली रेस्ट में आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था, है ना। बाद में किसने बताया, आइजैक न्यूटन और गैलीलियाई ने बताया, क्योंकि इन्होंने अप्रोच ही चेंज कर दी, लॉज ऑफ मोशन दिए। तो पहले के लोगों को लगता था कि एक बार मार दो तो बॉल हमेशा कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, हालांकि रुकती फ्रिक्शन से है, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये चलती रहेगी, ये हम देखेंगे लॉज में आगे। लेकिन पहले के लोगों को ऐसा लगता था कि बॉल को एक बार हिट कर दो या कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो इवेंचुअली वो रेस्ट में आ जाएगी, और वो उसकी नेचुरल स्टेट होती है। यानी कि पहले के लोगों को लगता था कि कोई भी मोशन वाली चीज़ अपने नेचुरल स्टेट में आ जाती है, जो कि रेस्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था, ठीक है।
तो मोशन किस वजह से होता है हमें समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि मतलब उसकी वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ में, तो आगे बढ़ें। फोर्स क्या है? अब फोर्स क्या है, एक तरीके से जो हम मोशन कर रहे थे ना, तो मोशन किस वजह से कर पा रहे थे, बॉल को भी मूव कर पा रहे थे, तो क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि हम फोर्स का यूज़ कर रहे थे। तो फोर्स कुछ नहीं है बच्चे, पुश और पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी पर, जिस भी बॉडी पर फोर्स लगता है, या तो पुश है या पुल है। और किसी, देखो ये पुल का एग्जाम्पल है, ये पुश का एग्जाम्पल है ना, हिट कर रहे हैं बेसिकली। तो किसी भी बॉडी पर जब लगता है तो ये एक्सेलरेट करती है। देखो बॉडी अभी रेस्ट में है, एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये रही फोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन, और ये रही फोर्स की यूनिट। यूनिट आपको याद रखनी है बच्चों, यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, जैसे प्यारा सा बच्चा क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यहाँ पर आप देखो ये जो है पुल है, ये पुल है और ये पुश है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर इसको पुश कर रहे हैं तो ये भी फोर्स लगा रहा है, इसको पुल कर रहे हैं जो हम गेट वगैरह पुल करते हैं तो ये भी फोर्स लगा रहा है। इतनी चीज़ आई समझ में? इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, पता है। नॉर्मली जो आप फोर्स से समझ रहे हो ना, बस वही है। जैसे मैंने किसी को धक्का दिया ऐसे, तो ये हाथ इधर चला गया, तो ये फोर्स ही है, पुश या पुल इफेक्ट जो पैदा करेगा। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन, याद रखना, न्यूटन यूनिट होती है। आगे हम फोर्स को ड्राइव करेंगे कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ड्राइव करेंगे। इसको भी आपको क्या याद रखना है, पुश और पुल है, पुल है, और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होता है, एक बॉडी में एक्सेलरेशन आता है या बॉडी मूव करती है, मोशन होता है बॉडी का, जिस भी बॉडी पर ये लग रहा है। और जो फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन के नाम पर रख दिया हमने। ठीक, और हम फोर्स को देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, है ना, फील भी, फील मतलब दर्द फील करते हैं, जैसे किसी ने मुझे ऐसा मारा, तो फोर्स को फील नहीं किया जा सकता, पेन फील किया जा सकता है थोड़ा सा, है ना। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि हम फोर्स को फील नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स के अफेक्ट को फील कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इस तरीके से खुद को ऐसे मारा, तो फोर्स तो फील नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो दर्द हुआ, अफेक्ट हुआ, वो मुझे फील हुआ। तो फोर्स को ना तो हम चख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं हम इसको। वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, या तो हम फोर्स के अफेक्ट को देखते हैं या उसके अफेक्ट को फील करते हैं। आगे देखते हैं कैसे। जैसे मान लो अगर आप देखोगे तो ये आपने देखा होगा, ये कुछ फोर्स के अफेक्ट हैं। देखो यहाँ पर ये बुमराह हैं, जसप्रीत बुमराह, ये क्या कर रहे हैं, बॉल को लेकर आते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स के अफेक्ट हैं बेसिकली। मैंने यहाँ पर चार अफेक्ट लिए हैं, तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, और कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसे रेस्ट में ला सकता है, और फोर्स से किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो चार काम हम कर सकते हैं, पहला तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आ सकते हैं, दूसरी चीज़ हम इसको, हम दो सेकंड रुको, यहाँ देखो, हाँ अब देखो, हम चार काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, पहला हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, दूसरा हम शेप चेंज कर सकते हैं, तीसरा मोशन से किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रेस्ट में लाया जा सकता है, पांचवा हम डायरेक्शन चेंज, सॉरी चौथा हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, और तीसरा क्या है, अगर मोशन में है तो रेस्ट में ले आएंगे, ला सकते हैं फोर्स की वजह से, और चौथा जो है हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं अफेक्ट, सॉरी किसके, फोर्स के। अब देखो यहाँ पर, यह देखो बॉल पहले रेस्ट में थी, ये भाग भाग के आते हैं, मान लो पहले बॉल रेस्ट में थी, आप खड़े खड़े भी बॉलिंग कर सकते हो, राइट, तो खड़े खड़े भी बॉलिंग कर सकते हो, यानी कि अभी रेस्ट में, और जैसे ही फेंकोगे तो क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो फोर्स हमने लगाया बॉल पर, जिसकी वजह से बॉल जो है मोशन में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल देखो, फोर्स जो है शेप चेंज कर सकता है, बलून लो, दबा दो तो दब जाएगा, फोर्स लगा दिया आपने, शेप चेंज हो गया। रबर बैंड है, इसको खींचोगे तो खिंच जाएगी, जो हम आटा गूंथते हैं घर में, तो ये क्या होता है, शेप चेंज कर लेता है फोर्स की वजह से। ये स्प्रिंग है, इसको भी खींचोगे, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये भी अपना शेप चेंज कर लेगी। ठीक है, तो ये सारे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तीसरा इफेक्ट क्या है, अगर कोई बॉल, जैसे विराट कोहली यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉल को कैच कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बॉल एक
वेलोसिटी से आ रही थी, अब यहाँ पर आके रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं हाथों से। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो, धोनी जी छक्का मार रहे हैं, यानी कि शॉट ले रहे हैं एक, तो यहाँ पर आप देखो बॉल आई इस तरफ, बॉल अभी रेस्ट में आई ही नहीं है, बॉल आई, इन्होंने क्या किया, बैट से मारा और उसकी डायरेक्शन चेंज करके बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, यानी कि फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने फोर्स समझा क्या होता है, ठीक है, फोर्स पुश पुल इफेक्ट पैदा करता है ना, मतलब फोर्स क्या है, पुल है या पुल पुश है ऑब्जेक्ट पर, जो कि एक्सेलरेट करता है अगर अनबैलेंस्ड होगा तो। अभी आगे पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड क्या होता है, यह हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ठीक है, क्या देखेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। देखो मान लो कि मेरे पास ये है पेन, अब मैं पेन को इधर खींच रहा हूँ, तो ये वाला राइट वाला हाथ जो है जल्दी जल्दी खींच रहा है ना, यहाँ पर जल्दी जल्दी खींच रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा फोर्स से आ रहा है तो इधर जा रहा है। लेकिन अगर ये दोनों सेम फोर्स लगाते हैं, यानी कि ये वाला हाथ भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला हाथ भी फोर्स लगा रहा है, तो ये जो पेन है बीच में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। सेम जो हम टग ऑफ वार करते हैं, रस्सी खींचते हैं, तो क्या होता है, अगर दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो चीज़ें वहीं रहती हैं, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स है, फोर्स लग रहा है लेकिन उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो है, समझ आ रहा है, फोर्स अभी लग रहा है लेकिन नेट इफेक्ट ज़ीरो है, क्यों, ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। जब एक तरफ का फोर्स ज़्यादा होता है, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि अभी मैं ये वाले हाथ से कम फोर्स लगा रहा हूँ, इस वाले से ज़्यादा लगाऊंगा तो देखो ये मूव करने लगा, ठीक है, देखो मूव करने लगा, तो इसका मतलब ये था अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी होगा तो या तो अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन क्रिएट होगा, याद रखना ये चीज़। अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखना, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, नेट इफेक्ट ज़ीरो रहता है, बैलेंस्ड फोर्स की वजह से कभी भी मोशन नहीं होगा, ठीक है, डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन, मोशन में चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना, मोशन में चेंज नहीं आएगा का मतलब यह है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही है तो वो वैसे ही चलेगी, ठीक है, मोशन में चेंज नहीं आएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आपको MCQ में पूछ लेगा कि बैलेंस्ड फोर्स की वजह से मोशन नहीं हो सकता, तो वो तो सही बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ मोशन में भी है तो वो रेस्ट में नहीं आएगी, ना ही उसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो, याद रखना, मतलब नेट इफेक्ट ज़ीरो होगा बेसिकली। अनबैलेंस्ड फोर्स से नेट इफेक्ट की वजह से क्या होगा, या तो स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के इफेक्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इस तरफ बैठ जाता हूँ। अब देखो, अब क्या है, यहाँ पर आप इन लोगों को देखो, ये क्या कर रहे हैं, तीन लड़कियाँ हैं, ये दो लड़के एक लड़कियाँ हैं, यहाँ पर दो लड़के और एक लड़कियाँ हैं, ये इस तरफ 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इस तरफ 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो रस्सी कहीं जाएगी क्या, बीच में रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर ये भाई साहब अकेले हो गए, दो लोग छोड़कर भाग गए, तो यहाँ पर ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर कितने लोग न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 300, यहाँ पर 100, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर नेट जो है 300 माइनस 100 कितना हो गया, नेट लग रहा है कितना, 200 न्यूटन, तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो बंदा है जो गिरा हुआ है, यहाँ पर 200 न्यूटन से खींचा जाएगा इसको, 200 न्यूटन के फोर्स से खींचा जाएगा, तो आंसर है हाँ, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर जैसे प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, अब ये बच्चा क्या कर रहा है, टेबल को खिसका रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये टेबल रेस्ट में था, इसने फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगेगी, तो टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो कभी भी जब आपको किसी का मोशन चेंज करना हो, किसी की डायरेक्शन चेंज करनी हो ऑब्जेक्ट की, या फिर स्पीड या फिर वेलोसिटी में चेंज करना हो, तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, याद रखना अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि ये लड़का पहले मूव नहीं कर रहा था क्योंकि फोर्स बराबर था, लेकिन जैसे ही दो लोग छोड़ के गए अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, है ना, 100 तो बैलेंस हो रहा है लेकिन अनबैलेंस क्या है, 200 को कौन बैलेंस करेगा, तो इसी चीज़ को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ये है अनबैलेंस्ड का एग्जांपल, ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो कब तक मोशन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, जब तक कि फोर्स उस पर लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, एंड द चेंज इन इट्स स्पीड वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, ठीक।
अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, इसमें आप एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो कि आपके पास ये एक, मेरे पास बॉक्स रखा हुआ है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये क्या है, ज़मीन, और ये बॉक्स है। अब मैं इसको उस बच्चे की तरह धक्का देता हूँ, तो आपको क्या लगता है, इजीली खिसक जाएगा क्या? नहीं खिसकेगा। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि कुछ रोक रहा है इसको। अगर आप इसके सरफेस को देखोगे ना, तो ऊबड़ खाबड़ दिखेंगी आपको। तो यही है फ्रिक्शन, इन सरफेस के बीच में जो लग रहा है ना, जो मोशन को अपोज कर रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और इस चीज़ को बोलते हैं फ्रिक्शन, FRICTION। फ्रिक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है, फ्रिक्शन का मतलब सिंपल सा है। जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे हाथों को रब करता हूँ। अब ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती हम करेंगे ना, कुछ थोड़ी सी देर में गर्म होने लगेंगे। आप करके देखो साथ में, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप मोशन कर रहे हो ना, इसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट हो रही है। और जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, अगर आपने Formula 1 में देखा होगा, तो ब्रेक लगाने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास ड्रम ब्रेक होते हैं, बेसिकली जो डिस्क होती है ना मेटल की, वो मेटल की नहीं होती है, कहीं कहीं मेटल की, वो एलॉय की बनी होती है। तो जैसे ही ब्रेक पैड लगते हैं उसमें, तो वो गर्म हो जाता है। आप टच करके देखना, मतलब मत करना, लेकिन आप थोड़ा सा फील करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन की वजह से होता है वो गर्म। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा फोर्स को अपोज करेगा, ठीक है, किसको, मतलब जो मोशन है, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उस चीज़ को अपोज करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो जो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, ये चाह रहा है कि हाथ इस तरफ चला जाए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको समझाता हूँ, देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास, 2 सेकंड, हाँ, जैसे मेरे पास मान लो ये, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, ठीक है। अब ये बॉक्स का कुछ वेट है, वज़न मान लेते हैं ये 15 kg का है। अब आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो उसको, तो आप क्या चाह रहे हो, ये बॉक्स खिसक कर इधर आ जाए, इसकी नई पोजीशन ये हो जाए। तो यहाँ से ए पोजीशन से आप बी पोजीशन तक लेकर गए, इसका मतलब अगर ए से बी आपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, ए से बी, तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा ना, ओपोजिट लगा होगा, यानी कि मोशन के ओपोजिट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। द फोर्स डेट ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसी भी, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखना, इसका हमको आगे यूज़ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इनर्शिया के बाद हम पहला लॉ समझेंगे। तो इनर्शिया समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स तो पढ़ चुके हैं, देखो इनर्शिया क्या होता है। अच्छा, मान लो कि कैसे समझें इसको, इनर्शिया का मतलब क्या है। अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो बॉक्स है, ध्यान से देखना, एक 10 किलो का है रखा हुआ है, यहाँ से तुम फोर्स लगा रहे हो, और एक है 1 किलो का। अब एक बंदा है, सेम आदमी, यानी कि इसका नाम रख लेते हैं निखिल, 2 सेकंड, हम निखिल को ही लेकर आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर निखिल जो है, दोनों बॉक्स में फोर्स लगा रहा है, तो मुझे बताओ कि इसको किस में आसानी होगी मूव करने में। तो जाहिर सी बात है, जो 1 किलो वाला है वो इजीली मूव हो जाएगा। अगर हम दोनों में सेम फोर्स लगाते हैं, मान लो दोनों में अगर हम 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इजीली मूव कौन हो जाएगा, हमेशा ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि भारी है। इसका मतलब थोड़ी सी चीज़ हमको समझ में आ रही है कि ये मास पर डिपेंडेंट है। मास समझाता हूँ मैं क्या होता है। तो इनर्शिया हमको समझना है, इनर्शिया का मतलब क्या है, हम इसको बोलेंगे ये हाई इनर्शिया है, इसका ज़्यादा इनर्शिया है, क्या है, ज़्यादा इनर्शिया। क्यों ज़्यादा इनर्शिया है, क्योंकि ये मूव नहीं होगा, ठीक है। और इसका क्या है, लेस इनर्शिया,
तो इनर्शिया को फिर मेज़र कैसे करें? मान लो कोई बड़ा सा हमारे पास एक कूलर है, उसको फोर्स लगाने में हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको मूव करने में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई छोटी सी चीज़ है और उसको मैं इजीली मूव कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो बड़ी चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें हैं, उनको मोशन में लेकर आने में दिक्कत हो रही है, यानी कि वो ज़्यादा रजिस्ट कर रही हैं। एक तरीके से देखें तो वो चाह रही हैं कि नहीं हमें मूव मत करो, यानी कि उनके पास इनर्शिया ज़्यादा है, या फिर ऐसे समझो कि वो बेशरम ज़्यादा है, ढीठपना ज़्यादा है उनमें। तो ज़्यादा ढीठ मतलब ज़्यादा इनर्शिया। तो अब इनर्शिया को मेज़र कैसे करें? तो इनर्शिया को नापने का तरीका है मास में नापा जाता है, यानी कि जिसके पास, जिस बॉडी के पास जितना ज़्यादा मास होगा, वो जितना ज़्यादा, जैसे मान लो किसी का वज़न है 50 kg, यानी अगर आपका वज़न 50 kg है, यानी कि आप इनर्शिया को मेज़र कर रहे हो किसमें, मास में, तो आपका मास 50 kg है, ठीक है। वेट और मास में डिफरेंस होता है, बेसिकली वेट एक तरीके का फोर्स है, मास जो भी कंटेंट आपके अंदर भरा हुआ है ना, जो भी अमाउंट, कुछ भी जो मटेरियल भरा है, सब उसको मास बोलते हैं, बेसिकली मेज़र करते हैं केजी में, ठीक है, वजन से नापते हैं। अब हमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर जो इनर्शिया है वो मास में मेजर किया जाता है। अब दो चीज़ होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ये चीज़ भी हम समझ देंगे। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि इनर्शिया को जो है हम मास से मेज़र करते हैं, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको आराम से समझते हैं, देखो ध्यान से समझना। जैसा मैंने आपको बोला, हमारे पास कोई भारी सा ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक कोई भारी सा ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्प्लेस करने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि इस भारी ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट है वो कम इनर्शिया वाला है, यानी कि वो, उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, मोशन में ला सकते हो, या मोशन में तो रेस्ट में ला सकते हो इजीली। क्यों? क्योंकि उसके पास कम इनर्शिया है। तो हमें यही चीज़ समझनी है कि इनर्शिया क्या होता है, एक नेचुरल टेंडेंसी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, कि वो चाहेगा कि मैं रेजिस्ट करूं, ठीक है। अगर मैं मोशन में हूं तो मैं रेस्ट में जाने के लिए रेजिस्ट करूं, और अगर मैं रेस्ट में हूं तो मोशन में जाने के लिए रेजिस्ट करूं। समझ आया? जैसे कि पंखा घूम रहा है, मान लो अगर आपके घर में पंखा घूम रहा है रेस्ट में, अभी जैसे ही आप फैन का खटका चालू करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो एकदम से तो नहीं आ जाता है वो मोशन में, एकदम से आ जाता है क्या फुल स्पीड में? नहीं, धीरे 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 स्पीड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट कर रहा है, वो अभी रेस्ट में है और वो कह रहा है मैं रेस्ट में रहना चाहता हूँ, यानी कि वो, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि नहीं भैया मुझे रेस्ट में ही रहना है। आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो मैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है, जो वो घूम रहा है, ठीक है। तो हमको क्या समझना है कि ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की, जो किसी भी चेंज को रजिस्ट करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया को मेजर्ड करते हैं मास में, और मास की यूनिट आपको पता है केजी, यानी कि किलोग्राम होती है, ठीक है। और यहीं से हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी करवाया, आप खुद घर पे भी कर सकते हो। मान एक गिलास रखना है, गिलास के ऊपर एक छोटा सा कार्ड रखना है, उसके ऊपर एक सिक्का रखना है। अब आपको इसको मारना है, ऐसे किसको मारना है, उंगली से इस कार्ड को तेज़ मारना है। तो होगा क्या, कार्ड बाहर निकल जाएगा, सिक्का अंदर रह जाएगा। इससे हम समझ सकते हैं सिक्का क्या है, कहाँ रहना चाहता है, रेस्ट में, क्योंकि वो रेस्ट में है। आप सडनली फोर्स किस पर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कार्डबोर्ड पर, ठीक है। और कार्डबोर्ड पर जब आप फोर्स लगाओगे तो ये आ जाएगा मोशन में। तो हमें पता है ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है सिक्का, ठीक है, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल टेंडेंसी है उसकी, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसी के ऊपर है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जब तक रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर
एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, ठीक है। तो अभी जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे थे, जितने भी अभी हमने एग्जांपल्स देखे थे, तो यहाँ पर देखो, जैसे अभी पहले के ज़माने में लोग क्या मानते थे कि जैसे बॉल है, बॉल को आपने लुढ़का दिया तो कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगी। तो न्यूटन का लॉ तो बोलता है कि कोई चीज़ मोशन में रहेगी तो उसको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये थोड़े टाइम बाद जाके रुक क्यों जा रही है? ठीक है, वो इसीलिए रुक जा रही है क्योंकि ज़मीन और बॉल के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अगर बॉल इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। इसी वजह से बॉल रुक रही है और वो कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो हमें समझ में आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, और न्यूटन का लॉ भी इसी के बारे में। आप फैन के एग्जाम्पल से देखो, घर में फैन लटका रहता है। अब ये फैन अगर रेस्ट में है, ये देखो ये फैन लेफ्ट वाला रेस्ट में है, अगर जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो धीरे धीरे मूव करेगा क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहा है, ये चाहता है मुझे रेस्ट में रहने दो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। और अगर आपको रेस्ट से मोशन में लेकर आना है, रोटेशनल मोशन करवाना है, तो आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और धीरे धीरे वो मोशन में आएगा। सिमिलरली अगर कोई चीज़ घूम रही है और सडनली आपको रोकना है ना, और इसको रोकना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, क्योंकि अभी ये मोशन में है और आप चाह रहे हो इसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो स्टेट चेंज कैसे होगी, जब वो एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखेंगे, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काम आ रही हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये हम एयर बैग यूज़ करते हैं कार में एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो देखो क्या होता है, सडनली अब हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी के साथ एक मोशन में हैं, लेकिन होता क्या है, जो गाड़ी है सडनली किसी से टकरा जाती है, एक्सीडेंट जब हो जाता है। तो एक्सीडेंट हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा डायग्राम। ये मान के चलो गाड़ी है और ये चल रही है और ये टकरा जाती है मान लो किसी दीवार से, तो सडनली गाड़ी की स्पीड ज़ीरो हो गई, लेकिन हम तो अंदर मोशन में ही थे। तो हम अंदर मोशन में थे तो हम किससे जाके टकराएंगे, हम टकराएंगे यहाँ पर स्टीयरिंग से, इसीलिए सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है। और यहाँ पर क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, एयरबैग। तो एयरबैग क्या कर देता है, आपका जो प्रोसेस है यानी कि जो मोशन से रेस्ट में आने का, उसको स्लो कर देता है, जल्दी से नहीं आते आप, जिसकी वजह से फोर्स कम लगता है। हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जाम्पल मैं वापस से इस पर आऊँगा। तो हमको, आई होप, मुझे लगता है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी किताब से कुछ सवाल करेंगे हम यहाँ पर, ये आपके NCERT ही में हैं, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, सबसे ज़्यादा इनर्शिया किस में होगा, रबड़ की बॉल में या फिर पत्थर की बॉल में। तो हमें पता है जो चीज़ ज़्यादा भारी होगी, और ये सेम साइज़ के हैं, दोनों का साइज़ सेम है, तो हमें पता है जो चीज़ जितनी भारी होगी, जिसका जिस पर जितना ज़्यादा मास होगा तो उस पर उतना ज़्यादा इनर्शिया हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रबड़ की बॉल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ की बॉल। दूसरे में बोल रहा है किसका इनर्शिया ज़्यादा है, बाइसिकल का या फिर ट्रेन का। तो आप खुद सोचो, ये तो हंसने वाली बात है, इतनी बड़ी ट्रेन के अंदर है भाई साहब बाइसिकल ले जा रहे हैं, साइकिल ले जा रहे हैं, तो ट्रेन का मास कितना ज़्यादा है और बाइसिकल का कितना छोटा है। तो ये तो कॉमन सेंस है, यानी कि अगर आप पूरी जान भी लगा लोगे ना, तब भी ट्रेन को नहीं हिला पाओगे, लेकिन आप बाइसिकल को हिला सकते हो, क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। ट्रेन को मोशन में लाने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर ट्रेन मोशन में है और उसको रेस्ट में लाना है तो भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होगे ट्रेन जो है काफ़ी ब्रेक काफ़ी पहले एक्टिवेट हो जाते हैं और वो काफ़ी दूर तक चलती रहती है। समझ में आ रहा है, वो इसी की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। आगे हम समझेंगे एक चीज़ होती है मोमेंटम, वो भी पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन, ट्रेन का जो है मोमेंट वो मास वो ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन का या 1 रुपी कॉइन का। अभी मैंने बताया जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो 5 रुपये वाले सिक्के का इनर्शिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 रुपये वाला सिक्का। तो आंसर हो जाएगा रबड़ की गेंद और ट्रेन और ये 5 रुपये का कॉइन, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल आपको बोल रहा है कि एक फुटबॉल प्लेयर, अब पढ़ लेते हैं ठीक से सबसे पहले, इन द
फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। तो आपको पता लगाना है कि वेलोसिटी बॉल की कितनी बार चेंज हुई, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनादर प्लेयर। तो मान लेते हैं ए फुटबॉल है, फुटबॉलर है, इसने अपनी टीम के किसी दूसरे को दिया, बी को, प्लेयर को। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनादर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। तो यहाँ पर मान लो एक गोल है, नेट है, और ये क्या करता है, गोल पर मारता है, लेकिन यहाँ पर कौन खड़ा रहता है, गोलकीपर। सी क्या है, गोलकीपर। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ये बॉल गोल की तरफ मारता है तो गोलकीपर पकड़ लेता है। यहाँ पर लिखा है आगे, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल कीपर ऑफ द ओपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। कलेक्ट्स का मतलब क्या है, रेस्ट में आ गई अब, एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो यहाँ पर कोई और प्लेयर है जिसका नाम डी है, ये गोलकीपर जो है इसको बॉल दे देता है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई। चलो देखते हैं, देखो सबसे पहले तो ए ने मारा होगा, तो ए ने जैसे ही मारा होगा तो इसने, इसके पास जब बॉल होगी तो कहीं से आई होगी, तो पहली बार तो यहाँ पर चेंज हुई, ठीक है। और जैसे ही बी के पास आई तो बी ने ही देखते ही से मार दिया इधर, तो दूसरी बार बी के पास चेंज हो गई। फिर तीसरी बार जैसे ही बी से, डायरेक्शन देखना ध्यान से, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इधर दिया, फिर दूसरी बार इधर दिया, फिर ये बॉल आएगी इधर, इधर आएगी सबसे पहले रेस्ट में, तो वेलोसिटी फिर चेंज हुई तीसरी बार। और फिर रेस्ट में आने के बाद भाई साहब ने किक मारी अपने प्लेयर डी के पास, और फिर ये चौथी बार चेंज हो गई। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो चार बार चेंज हुई। कितनी बार चेंज हुई, चार टाइम, फोर टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर, चार बार चेंज हुई। आपको और एक और चीज़ पूछ रहा है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट्स सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो सप्लाई कौन कौन कर रहा है फोर्स, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है, और डी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ए ने किया सबसे पहले, बी ने किया, फिर सी ने किया, ठीक है, सी ने दो बार किया, सबसे पहले यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सी और सी, तो यहाँ पर नहीं, चार आएंगे ना, फिर डी भी तो इन्वॉल्व है, तो ए बी सी डी, चार लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने लोग जो लगा रहे हैं फोर्स, क्योंकि जैसे ये डी को देगा तो डी के पास भी तो जाएगी, तो वो भी तो फोर्स लगाएगा ना लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग आ गए, एक, दो, तीन, चार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी वाइग्रसली शेक इट्स ब्रांचेस। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि एक पेड़ है, आप पेड़ को ना हिला रहे हो, ये पेड़ है, पेड़ को हिला रहे हो, करके देखना। तो पेड़ को आपने हिला दिया तो क्या होगा, बहुत सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अब क्यों हो रहा है ऐसा, देखो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो एक डाली है और पत्ता अटैच्ड है, ठीक है, ये कमज़ोर वाले पत्ते अटैच्ड है। अब ये क्या है, जो जॉइंट है वैसे ही यहाँ पर है। अब होगा क्या, पत्तों की जगह फल भी दे सकता है, वो फल भी गिर जाएंगे। तो सडनली आप पेड़ को मूव कर रहे हो, पेड़ को मूव कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, डालियाँ भी मूव होगी साथ में। तो डालियाँ मूव होंगी लेकिन रेस्ट में पत्ते रहना चाहते हैं रेस्ट में, कि भैया हम तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये पत्ते रेस्ट में रहना चाहते हैं, ये सडनली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से जॉइंट से ब्रेक हो जाएंगे, ये जो पेटियोल होता है ना, यहाँ से टूट जाएंगे पत्ते, इसकी वजह से, क्योंकि पत्ते रेस्ट में रहना चाहते हैं और हम डालियों को सडनली हिलाएंगे, पेड़ को हिलाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ से टूट जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and fall backwards when it accelerates from rest। तो ये तो आप लोगों ने फील किया होगा, ट्रेन में भी काफ़ी बार होता है, बस में भी होता है, अगर आपने देखा होगा। देखो बस मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बस की डायरेक्शन है। अब होता क्या है, आप भी मोशन में हो, बस भी मोशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बस रुक गई, तो बस रुकी लेकिन आप तो मोशन में रहोगे ना, तो आप हल्का सा आगे आ जाते हो, इसी वजह से, क्योंकि आप जो है मोशन में रहना चाहते हो और बस आ गई रेस्ट में, तो आप इसीलिए आगे चले जाते हो। सिमिलरली जब बस चलना चालू होती है, देखो मैं समझा देता हूँ, पहला वाला केस क्या है मोशन का, जब बस मोशन में है, तो जब बस मोशन में है और सडनली रुकती, तो आप कहाँ जाओगे, पीछे की तरफ, ठीक है। और जब बस रेस्ट में है
और सडनली मोशन में आती है, बस रेस्ट में और सडनली मोशन में आती है, तो आप आगे की तरफ जाओगे। क्यों? सॉरी मैंने शायद गलत बता दिया आपको, दो सेकंड रुक जाओ, उल्टा हो गया। यहाँ पर मोशन कहाँ, किस डायरेक्शन में हो रहा है? मोशन हो रहा है बस का इस डायरेक्शन में, मोशन ऑफ बस। और ये क्या है, एक काम करो इसको ऐसे समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं है, इसको ऐसे समझ लो। तो मोशन मान लो बस का इस तरफ ही हो रहा है, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, यहीं हो रहा है। तो मोशन में है, सडनली रेस्ट में आएगा, तो मोशन में है, ये मोशन इधर है, सडनली रेस्ट में आएगा तो हम कहाँ, अब सडनली रेस्ट में आएगा तो हम इधर ही जाएंगे ना, हम चाहेंगे कि आगे चलते रहें, तो हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, तो हम ये थोड़े से झुक जाएंगे, ठीक है। जब रेस्ट में थी बस, वो सडनली इस तरफ चलने लगी, तो क्या होगा, हम तो सीधे खड़े थे, बस नीचे पैरों के नीचे से आगे बढ़ने लगी, तो हम पीछे की तरफ मूव हो जाएंगे, तो तब हमारा मोशन इस तरीके का होगा। तो लीन कहाँ पर हो जाएंगे हम, पीछे की तरफ, जब बस सडनली चलने लगेगी इस डायरेक्शन में, और अगर सडनली रुक जाती है तो हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। इतनी चीज़ आई समझ में? तो ये भी न्यूटन के पहले नियम यानी कि फर्स्ट लॉ के एग्जांपल है, जो चीज़ मोशन में वो मोशन में रहना चाहती है, और जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहती है। अब ध्यान से देखते हैं, मोमेंटम समझेंगे, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो अभी हमको क्या करना है, तो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोमेंटम के बारे में, कि मोमेंटम क्या है। थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में देखने से पहले आप मुझे कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, ट्रेन वाले एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ट्रेन है, यहाँ से आ रही है, तो ट्रेन तो नहीं रुकती है ना। अच्छा ठीक है, हम एग्जांपल पपी वाला ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि एक साइकिल आ रही है, ठीक है, ये जो है एक साइकिल है, ये मान लो साइकिल इस तरफ आ रही है, और दूसरी तरफ एक कार आ रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ, दोनों सेम स्पीड से आ रही हैं, जैसे मान लो ये भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, किलोमीटर पर आर साइकिल, और कार भी आ रही है 20 किलोमीटर पर आर। तो मुझे बताओ, आप हो बाहुबली जय माहेश्वरपति, अब बाहुबली क्या इन दोनों में से किसको रोक पाएगा? अगर रोकना भी चाहेगा तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, आप सोच सकते हो? अगर मान लो बाहुबली को टक्कर करवानी है, चलो टक्कर करवाते हैं, ये बाहुबली खड़ा हुआ है, दोनों आके टक्कर मार रही हैं, तो किससे ज़्यादा नुकसान होगा? दोनों ही सेम स्पीड पर हैं, किससे ज़्यादा नुकसान होगा? कार से। क्यों? कार का मास ज़्यादा है, बाइसिकल का मास कम है, समझ में आ रहा है? अब दूसरा केस लेते हैं, जब बाइसिकल जो है, मान लो अब ये आ रही है, कार तो आ रही 20 की स्पीड से, बाइसिकल आ रही मान लो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब हो सकता है कि बाइसिकल ज़्यादा नुकसान कर दे या बराबर नुकसान करे। क्यों? हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मास और वेलोसिटी या स्पीड का कुछ रिलेशन है, मास और वेलोसिटी का कुछ रिलेशन है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब बाइसिकल को रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट कितना होगा ये उसका मास भी डिसाइड कर रहा है, और मास के साथ साथ वेलोसिटी भी डिसाइड कर रही है कि वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए एक नई टर्म हमने बनाई जो कि है मोमेंटम, MOMENTUM। तो मोमेंटम से काफ़ी इजीली समझ में आ सकता है हमको। जैसे मान लो कि बाइसिकल का वेट है 10 kg, और मान लो कार का वेट है 500 kg, तो यहाँ पर अगर दोनों आते हैं, एक काम करते हैं हम, अगर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम ना इसकी यूनिट चेंज कर लेते हैं, 300 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं 300 मीटर पर सेकंड, और यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि हमको स्पीड मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी, और यहाँ कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखना आप,
तो अगर मैं बाइसिकल का मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो यहाँ पर अब देखो P1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, पी साइकिल, CYCLE कितना हो जाएगा, पी साइकिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो कितनी हो जाएगी, 300 × 10, तो कितना हो जाएगा ये, 3000, इतनी वैल्यू है। और यहाँ पर कितनी आ रही है, पी कार की अगर आप देखोगे तो कितना हो रहा है, 500 × 20, यानी कि 10,000 के आसपास मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है, ऊपर भी वही होगा केजी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देखो कि ये कितना हो गया, ये हो गया 10,000, यानी कि इसको हमें जो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 10,000 का मोमेंटम है, और यहाँ पर है 3,000 का मोमेंटम, यानी कि हमें अगर रोकना है तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, और अगर ये टक्कर मारती है तो कार ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट कितना होगा, ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत सी मतलब दो चीज़ों पर, मास पर और वेलोसिटी, ना तो खाली पूरी तरीके से मास पर डिपेंड करता है ना वेलोसिटी पर। तो दोनों का हमने एक मिली जुली क्वांटिटी बना ली, जो कि हम जिसको मोमेंटम बोलते हैं और पी से डिनोट करते हैं। अब हम मोमेंटम से देख सकते हैं कि किसको रोकना, रोकने इजी रहेगा और किसको रोकना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस क्वांटिटी से हम इजीली बता सकते हैं, समझ आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे समझ सकता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, कि मान लो अगर मेरे पास कोई बोले कि मेरे पास एक साइकिल है, साइकिल है CYCLE, साइकिल है जो कि, और एक कार है, मेरे पास एक साइकिल है जो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरी तरफ आ रही है, और उसका वज़न मान लो 5 kg है, और एक मेरे पास कार है जिसकी स्पीड मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड है, और वो मेरी तरफ आ, और उसका वज़न जो है मान लेते हैं 50 किलो वज़न है, ठीक है। तो अब अगर मैं मोमेंटम साइकिल का देखूंगा तो कितना हो जाएगा, CYCLE, साइकिल का मोमेंटम, साइकिल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1500, 1500, और इसका हो जाएगा 100 kg/s, और यहाँ पर भी हो जाएगा kg/s। तो आप एक चीज़ देखो, ये है 100 और ये है 1500, तो किसको रोकना इजी रहेगा, कार को, क्योंकि कार का मोमेंटम इस बार कम है। तो समझ में हम क्या आया कि किसी का भी अगर हमें इम्पैक्ट देखना हो तो ना तो हम खाली मास पर डिपेंड कर सकते हैं ना वेलोसिटी पर, दोनों की मिलीजुली एक क्वांटिटी होती है जिसको मोमेंटम बोलते हैं, उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये पी से डिनोट किया जाता है, और ये है पी कार, 100 kg/s, इतनी चीज़ आई समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के बाद आप ये देखो, ये तो आ गया हमें, अब आते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, मोमेंटम आ गया हमको समझ में, ये बोलता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास। तो आप ऐसे समझो, इसको हम अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो बड़े बड़े पत्थर हैं, एक का वज़न है 10 kg, दूसरे का वज़न है 5 kg मान लेते हैं, आप दोनों में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इसमें भी और इसमें भी, तो आपको क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, छोटा वाला, ठीक है, ये 5 kg वाला ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इसका मास कम है, मास नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, मास और वेलोसिटी तो दोनों का मिला जुली चीज़ है, तो हम बोलेंगे इसका मोमेंटम कम है, ठीक है। हो सकता था अभी तो रेस्ट में रखा है, हो सकता था मोशन में होता है फिर, तो इसीलिए हम मोमेंटम टर्म इस्तेमाल करेंगे ना कि मास। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पहले वाला केस है इसका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है, दूसरे वाले का मोमेंटम कम है, तो इसीलिए इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी कि अभी ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और अगर मेरे को इसको मोशन में लेकर आना हो तो मास इनटू वेलोसिटी, इसके पास तब कुछ मोमेंटम होगा, अभी तो मोमेंटम ज़ीरो है, तो किसका मोमेंटम मैं ज़्यादा ला पाऊँगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर, ठीक है। मान लो इसको अपन ऐसे समझते हैं, दो फोर्स लगाते हैं, ये मान लो मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया इसी के ऊपर, सेम पत्थर के ऊपर, तो अब क्या होगा, जो फोर्स अप्लाइड है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। तो जो भी फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर आप 15 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, और 5 न्यूटन का लगाओगे तो कम एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो मोमेंटम हमें पता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, फोर्स मैंने लगाया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी, फाइनल वेलोसिटी हो गई वी, और ये चीज़ यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बोलूँगा, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी वन हो जाएगा एम यू, और पी टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, वी एम या एम वी, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी कितने टाइम में हो रहा है, रेट का मतलब होता है कितने टाइम में हो रहा है, बाय टी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, सॉरी अभी टी नहीं लगाना है अपने को, चेंज इन मोमेंटम लिखना है खाली, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, अब ये मोमेंटम में चेंज आ तो रहा है, मेरे को ये तो पता है मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ये मास एक वी वेलोसिटी से आगे बढ़ गया, लेकिन कि कितनी जल्दी चेंज आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा तेज़ हिट करते हो तो वो जल्दी से वो वेलोसिटी गेन कर लेती है, और अगर धीरे से हिट करते हो तो वो वाली वेलोसिटी अटेंड करने में उसको टाइम लगता है। इसका मतलब फोर्स जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम में चेंज उतनी जल्दी आएगा, यानी कि मोमेंटम में हम चेंज की बात तो कर रहे हैं, साथ में हम टाइम की भी बात कर रहे हैं कि कितने टाइम में आ रहा है। अगर हमको कम टाइम में ज़्यादा उतना ही मोमेंटम चेंज लेकर आना है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और यही सेकेंड लॉ बोलता भी है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब टाइम के साथ मोमेंटम में चेंज आना, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। टी क्या है, टाइम है, टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम यू, सॉरी एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन ले लेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, F is proportional to ma, ये कुछ नहीं है, a है हमारा, अगर आप इसको देखोगे ना ये क्या है हमारा a, क्योंकि a क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k, जिसकी वैल्यू 1 होती है, f is equal to km है, ठीक है। और हमें फाइनल ले जाना है तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे देखिए आप, दो सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ बता देता हूँ, तो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू के एम ए, सिंस के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 होगी, कांस्टेंट है जो, तो हमारी फाइनल आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि सेम ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा था, तो मोमेंटम में चेंज आना कम से कम टाइम में, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि चेंज तो हम देख रहे हैं लेकिन वो चेंज कितने टाइम में आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट।
ठीक है। और मोमेंटम को चेंज कर ले, कैसे लिख सकते हैं, एम वी एम यू, एम वी माइनस एम यू, आप एम कॉमन लोगे, वी माइनस यू आ जाएगा, वी माइनस यू बाय टी को इस पूरे को हम ए लिख देते हैं क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन है। तो फाइनली तुम्हारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाला हम फोर्स देखेंगे, सॉरी हम ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे करना है। 2 सेकेंड, तो ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जिससे आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। देखो, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कितने का हमें नहीं पता कितने का लग रहा है। 5 kg के ऑब्जेक्ट पर टाइम दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक लगता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू, ओके ओके, यानी कि जब फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, शुरू में थी 3 मीटर पर सेकेंड और बाद में हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 से हो गई 7। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ओके, इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड ड्यूरिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, ओके। देखो कि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 5 kg है, 2 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, 3 से 7 हो गई। यहाँ पर एक हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया है। अब बोल रहा है, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं कितना लगा रहा है, क्योंकि ये यहाँ तक ख़त्म हो गया ना, तो हम यहाँ से फोर्स निकाल लेते हैं कितना लगा रहा है। तो फोर्स हमें पता है, फोर्स होता है एम ए, ठीक है। तो फोर्स अगर एम ए है तो एम कितना है, 5, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये थी 7 माइनस 3, क्योंकि इनिशियल थी, डिवाइडेड बाय 2, कितने टाइम में चेंज आया है वेलोसिटी का, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि 4/2, यानी कि 10 न्यूटन आ जाएगा तुम्हारा फोर्स। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हमका हमारा फोर्स तो निकल गया 10 न्यूटन। नाउ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, देन वॉट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम ये 10 न्यूटन 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड तक लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स इज डायरेक्टली, फोर्स इज इक्वल टू, तो 10 इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि दिस टाइम हमें 5 सेकेंड लेना है, याद रखना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 3, डिवाइडेड बाय 5, राइट, इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। आई होप समझ में आया होगा। देखो क्या किया है मैंने, यहाँ पर एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो हम फोर्स निकाल लेंगे पहले वाले स्टेटमेंट से। अब ये बोल रहा है कि यही फोर्स अगर मैं 3 सेकेंड 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड तक लगाता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, पहले फाइनल कितनी हो रही थी 7, अब इस केस में कितनी हो रही है 13। कैसे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 5, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, इसके बाद जो हमारा एक्सेलरेशन 2 आ गया, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है इस बार 5, तो हम यहाँ लिखेंगे वी माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट में बता देना, ठीक है।